वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे जो है वो बुखार है आज और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है तो सर्दी बहुत बढ़ गई है और हम ए सी का जो हीटर है वो यूज़ करते थे और जो है काफ़ी देर चलता रहता था सात आठ घंटे तक लेकिन थी कूलिंग नहीं होती थी तो फिर हमने सोचा कि वो ना इलेक्ट्रिक हीटर लाया जाए और जो कमरे को गर्म किया जाए क्योंकि आपको पता है जैसे कि गैस तो बिल्कुल भी नहीं आती वो इतनी आ, कम होती है कि बहुत मुश्किल से खाना बनता है या कभी ऐसा होता है कि आती ही नहीं है तो सिलेंडर जलाने पड़ते हैं और गैस के हीटर से बहुत नुकसान भी होते हैं गैस के जो सिलेंडर है फटने का ख़तरा भी होता है तो जैसे कि आज की न्यूज़ में भी उन्होंने कहा है जी तूफ़ानी बारिशों का जो Uh, सिलसिला है वो शुरू होने वाला है तो पता नहीं है बारिशें कब तक रहेंगी और सर्दी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी तो इस वजह से हमने हंड्रेड परसेंट सेफ़ जो है वो हीटर लाने का सोचा और फिर मैंने फैसल से कहा तो उन्होंने मुझे हीटर ला दिया एन टी एन कंपनी है ये और बहुत कम जो है वो बिजली ख़र्च होती है इस पर तो कमरा जो है क्योंकि हमने जब जला के देखा तो आप यकीन करें कि विद इन वन आवर जो है वो आपका कमरा जो है वो पूरा हीटअप हो जाता है तो चले अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हीटर कैसा है वाइट ग्रे रेड तीन कलर में आपको ये जो है वो मिल जाएगा और मैंने जो है वाइट कलर मंगवाया है और अमूमन मैं ना भी मंगवाऊँ तो हमारे घर में जो चीज़ें हैं वो वाइट कलर में ही ज़्यादा आती हैं हमारी गाड़ी का कलर भी वाइट है दोबारा ली वाइट तीसरी दफ़ा ली फिर वाइट ए का कलर वाइट यानी कि आप ये यकीन करें कि नॉर्मली जो हमारे घर में चीज़ें आती हैं अमूमन का जो कलर होता है वो वाइट ही होता है चले जी हीटर निकालती हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और तो ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे फ़ैन बना हुआ है यानी कि बिल्कुल सेफ आपको इससे कोई नहीं कि कोई चीज़ जल जाएगी या कोई ऐसा कि जैसे कि हम गैस का हीटर जलाते हैं तो उसमें भी जो है काफ़ी मेरे अपने दो दो, दो बटे उसके साथ जो है वो जल गए हैं यहाँ पे एक पीछे एक सा लगा हुआ है तो इससे जो है वो हीट होगी सारी तो विवर्स बिल्कुल फ़ैन की तरह बहुत ही प्यारा है ये इसके बटन हैं ऑफ़ ऑन करने के लिए और ये और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिवॉल्विंग भी है कि आप इसको एक जगह पे नहीं रख सकते अगर आप चाहते हैं कि ये घूमे तो ये घूमेगा भी और इन बटन से आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं हीटर हम जलाते हैं ये देखिए अभी उसकी जो है वो वायर लगाई है और साथ ही जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी हीट है कि आप इन वन और जो है पूरा रूम आपका जो है वो हीटअप हो जाएगा और मुझे लगा ये बहुत सेफ़ चीज़ है और मौसम के लिहाज से और क्योंकि अब गैस भी नहीं आ रही तो उस लिहाज से भी एक बहुत बेनिफिट है आप इसको टर्न कर सकते हैं ऊपर नीचे रिवॉल्विंग पे लगाएंगे तो ये मूव करेगा ऑटोमेटिकली मूव करेगा आप हाथ से इसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं तो जिस कलर में आप लेना चाहें वही कलर जो है वो आपको मिल जाएगा तो बहुत ही सेफ़ है ये आप अपने घरों में जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसका जो बिजली का बिल है वो भी काफ़ी जो है वो कम आएगा तो वीवर्स इसकी हीट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप कमेंट में कुछ पूछना चाहें कुछ कहना चाहें तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें आपके कमेंट से हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी आती है और कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत डीपली जो है वो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं तो वीवस छोटे छोटे बच्चे हो और इतनी सर्दी हो तो कितनी देर बंदा जो है वो कंबल ओढ़ के जो है वो बैठ सकता है ब्लैंकेट में कितनी देर वो बैठ सकता है घर के काम भी करने होते हैं बाहर भी निकलना होता है तो इसलिए अगर आपने ये ही हीटर रूम में लगाया होगा तो आप ईज़ीली जो है वो अपने काम भी कर सकेंगे और जैसा कि ये दिसंबर का महीना है और अगर जनवरी में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जानी है और जैसे ही ये बारिशें जो हैं वो शुरू होंगी तो सर्दी जो है वो अपनी अरूज पे पहुंच जाएगी तो इस वजह से अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा मेरी अपनी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए कि बच्चे जो है वो बीमार ना हो तो उसके लिए पहले ही सेफ़्टी का जो है वो बंदोबस्त कर लिया है तो आप भी अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़